अगर आपको फ़ोन कस्टमाइज करना पसंद आए तो ये वीडियो स्किप मत करो। इसमें कुछ बेस्ट आपको बोल सकते हैं कि विजेट्स सजेस्ट करने वाला हूँ या विजेट पैक सजेस्ट करने वाला हूँ, तो एक बार ट्राई करो कि विजेट्स सच में काफ़ी अच्छा है और काफ़ी ऑप्शंस इस विजेट को कस्टमाइज करने का, और डायरेक्टली आप बिना कोई मतलब ऐसी थर्ड पार्टी ऐप्स का इससे विजेट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें आपको एक ऐप है जो कि ऑब्वियसली आपको वीडियो का लास्ट में इसका नाम पता चल जाएगा आपका, तो इसमें आपको प्लेयर्स का जो है 6 डिफरेंट विजेट्स देखने मिलता है जो कि आप डायरेक्टली ऐड टू होम पेज कर सकते हैं। फिर आपको क्लॉक का सच में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस देखने को मिलता है, ऑप्शंस के ऊपर भी आपको जो कस्टमाइज करने का भी प्लस ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, स्टाइल कलर लुक आपका ट्रांसपेरेंसी सब कुछ कस्टमाइज करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। देख सकते हैं आपका ट्रांसपेरेंसी, फिर आपका क्लॉक स्टाइल, नंबर्स, लुक, शेप और आपका कलर्स, साइज ऑब्वियसली चेंज हो जाता है, तो ऐसा कुछ आपको ऑप्शन देखने को मिलता है और वो आप ऐड कर सकते हो डायरेक्टली होम स्क्रीन में। ऑप्शंस का कुछ कमी नहीं और क्लॉक स्टाइल्स का भी कमी नहीं, बहुत क्लॉक है, मतलब स्क्रॉल डाउन कर करके मैं थक गया हूँ, आराम से अगर शो करूँगा तो 10 मिनट का वीडियो बन जाएगा। फिर आपको देखने को मिलता है कैलेंडर, कैलेंडर में बहुत ऑप्शंस है, ऐसे नहीं 10-20, आराम से होगा 30 से ऊपर ही होगा ऑप्शंस, क्लॉक में आई गेस 50 से ऊपर ऑप्शंस है, ज़्यादा ही होगा आई गेस, बहुत ही ऑप्शंस है आपको कैलेंडर क्लॉक में, सच में अनलिमिटेड काइंड ऑफ मेरे को लग रहा है, अनलिमिटेड तो नहीं है बट हाँ लिमिटेड भी नहीं, बहुत ज़्यादा है। और फिर आपको फोन डिवाइस इन्फो देखने को मिलता है, इसमें भी आपको ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएगा, तो अगर आपको ऐसे कुछ विजेट्स चाहिए, क्योंकि मेरे को पर्सनली क्लॉक और कैलेंडर का अच्छा लगा, डिवाइस इन्फो भी ठीक है अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आपका डिवाइस का क्या यूज़ हो रहा है क्या नहीं, तो ये आप ट्राई कर। और लास्ट में आपको फोटोज़ का ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि आप डायरेक्टली गैलरी से कनेक्ट करके उसका फोटोज़ को भी देख सकते हैं, मतलब काफ़ी अच्छा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फिर आपको सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिलता है जिसमें आपको डार्क मोड, लैंग्वेज सेटिंग्स और हेल्प और लैब का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और शेयर करने का ऑप्शन देखने को मिलता है, नॉर्मल सेटिंग्स जो कि हर एक ऐप में होता है, बट मेरे को पर्सनली इसका क्लॉक का जो विजिट्स का कलेक्शन है काफ़ी नेक्स्ट लेवल है, तो एक बार ट्राई करके देखिए। और अगर आपको ये ऐप चाहिए तो यार डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्टली प्ले स्टोर में, फ्री है और मेरे को पर्सनली सच में काफ़ी अच्छा लगा इसका विजिट्स का कलेक्शन, तो अगर आपको चाहिए तो जाओ सर्च करो WID और GEET सर्च करो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, नहीं डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिलेगा, डायरेक्टली सर्च कर लो क्योंकि डिस्क्रिप्शन में लिंक डालने से दिक्कत हो जाता है, जाओ सर्च करो विजेट्स तो सर्च कर लो, जाओ WID GEET और बताओ कैसा लगा ये ऐप। आई होप आपको ये ऐप मिल गया होगा क्योंकि प्ले स्टोर में, और आई होप वीडियो पसंद आया होगा, देखो पसंद आया तो यार लाइक मारो, कस्टमाइजेशन का और ऐसा वीडियो टिप्स एंड ट्रिक्स अपडेट रिलेटेड थीम रिलेटेड वीडियो चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करो सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी टैप कर लो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।